तो दोस्तों आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट में डीपी जरूर लगाते होंगे, प्रोफाइल पिक्चर जरूर लगाते होंगे, बट आप सभी को जैसे कि पता होगा अगर आप यहाँ पे कोई भी एक फोटो लेते हो, मतलब फुल कैप्चर करते हो अपने प्रोफाइल फोटो लगाने के लिए, सर से पांव तक फोटो, डेफिनेटली जो पूरा फोटो होता है वो अप्लाई नहीं हो पाता है, मतलब सही तरीके से लग नहीं पाता है और आप अपने हिसाब से लगा नहीं पाते हो व्हाट्सएप अकाउंट में अपना डीपी। तो गाइस अब यहाँ पे पॉसिबल है, अब बहुत ही गजब का मैं ट्रिक लेके आ चुका हूँ, 110% वर्किंग ट्रिक है। तो गाइस कैसे पॉसिबल है पूरा ट्यूटोरियल देने वाला हूँ, एक एक स्टेप बताने वाला हूँ, पूरा डिटेल जानने के लिए, पूरा स्टेप जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहे। तो दोस्तों पूरी डिटेल समझाने के लिए आपको देखना पड़ेगा साइड में, मतलब स्क्रीन पर ध्यान देना पड़ेगा। तो गाइस प्लीज आप वहां पे ध्यान दीजिए। तो गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होगी, आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा जो कि आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च आउट कर लेना है WA Pro एप्लीकेशन। तब आप यहाँ पे सर्च आउट करते हो कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे एप्लीकेशन देखने को मिल जाता है, सिंपली आपको इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लेना है। इस एप्लीकेशन से आप बहुत सारे ऐसे चीजें कर सकते हो जो कि आप सभी को नहीं पता होगा कि कैसे आपको करना है। मान लीजिए आपको एक ही अकाउंट को दो दो तीन तीन फोन में डिवाइस में यूज करना है व्हाट्सएप अकाउंट को, तो डेफिनेटली आप ट्रिक को अप्लाई करके यूज कर सकते हो और सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा। तो मैंने आप सभी के लिए एक वीडियो डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, WA Pro एप्लीकेशन का पूरा रिव्यू बता रखा है कि इस एप्लीकेशन से आप क्या क्या कर सकते हो, प्लीज आप चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का दे रखा है, प्लीज आप वो वीडियो वॉच कर लेना। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते होंगे जब यहाँ पे WA Pro एप्लीकेशन ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको 6 या कह सकते हो 5 ऑप्शन देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे WA Pro एप्लीकेशन को अलाउ कर देना, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन जो भी आपको यहाँ पे परमिशन मांगे सिंपली आपको यहाँ पे ग्रांट कर देना, अलाउ कर देना, तभी आप इस एप्लीकेशन को यूज कर पाओगे। तो गाइस सिंपली आपको यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि रहने वाला है 5th ऑप्शन फुल डीपी। तो गाइस सिंपली आपको इस पे टैप कर देना है, यहाँ पे आपको सिंपली सिलेक्ट फोटो पे टैप करना है, उसको यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है सिलेक्ट फोटो बाय गैलरी, इसी के साथ साथ कैमरा। अगर आपको इंस्टेंटली कैप्चर करना है अपने फोन से तो सिंपली आपको कैमरा पे टैप करना है, अगर आपने ऑलरेडी सेव कर रखा है, अगर आपने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, मतलब सेव कर रखा है अपने गैलरी में, तो सिंपली आपको गैलरी पे टैप करना है, सिंपली आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आप देख सकते होंगे हमारा जो फोटो है पीछे ब्लर की तरफ है, इसी के साथ फ्रंट फोटो है वो बिल्कुल ही सही तरीके से। आपको यहाँ पे सिंपली करना पड़ेगा आपको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेना कि कितना आप यहाँ पे फुल डीपी में लगाना चाहते हो, कितना एरिया आप यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हो अपने फोटो में। तो सिंपली आपको साइज सेलेक्ट आउट करना है, जूम आउट जूम इन कर सकते हो अपने हिसाब से, या फिर आप यहाँ पे एडिट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो, कलर कर सकते हो, इसी के साथ साथ इफेक्ट एड ऑन कर सकते हो इसी सिंगल एप्लीकेशन पर। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको ब्लर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो गाइस आपका जो भी कस्टमाइजेशन का मन हो सिंपली आपको कस्टमाइज करके यहाँ पे आपको देखने को मिलता है राइट कॉर्नर में डाउनलोड का ऑप्शन, तो सिंपली आपको डाउनलोड पे टैप कर देना है। यहाँ पे आपको सेव इन गैलरी, इसी के साथ साथ व्हाट्सएप डीपी, इसी के साथ शेयर इमेज। अगर आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप इमेज में व्हाट्सएप डीपी में सेट करना है तो सिंपली आपको व्हाट्सएप डीपी पे टैप करना है, उसको यहाँ पे आप देख सकते होंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से भी आप सिलेक्ट आउट कर पाएंगे, अब यहाँ से भी आप कस्टमाइज कर पाएंगे, क्रॉप कर पाएंगे। अब यहाँ पे आप सही तरीके से क्रॉप करने के बाद डन पे टैप कर देंगे। जब यहाँ पे डन पे टैप करेंगे कुछ ही देर में आपका पूरा डीपी जो भी आपने यहाँ पे सिलेक्ट करा था, जो जिस तरीके से आपने क्रॉप करा था, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते होंगे इतना मैं यहाँ पे फोटो में चाहता था, उसी तरीके से मेरा यहाँ पे डीपी सेव हो चुका है सक्सेसफुली। तो गाइस आपको कुछ इसी तरीके से अपना फुल डीपी लगाना है अपने व्हाट्सएप अकाउंट में। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी मदद मिली हो, अगर आपको इस वीडियो से जानकारी मिली हो, तो गाइस प्लीज अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादातर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।